हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर हैं वो किस किस शैली में बने हैं और ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। इस वीडियो में हम सारे मंदिर डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन्हीं मंदिरों को डिस्कस करेंगे जो कि एक विशेष प्रकार की शैली में बने हैं। और ये जो मंदिर हैं ये काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं हिमाचल प्रदेश के। और जो भी सीरीज़ हम रोज़ डिस्कस करते हैं HP GK की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, उन वीडियो को भी हम बीच बीच में लाया करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे पेंट रूफ स्टाइल आर्किटेक्चर के जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो इन्हें कहते हैं बंद छत शैली के मंदिर। तो ये जो पेंट रूफ स्टाइल आर्किटेक्चर है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन वास्तुकला है। तो आप देख सकते हैं इस वास्तुकला में हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर स्थित हैं वो कहाँ कहाँ हैं। देखिए ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर की पिक्चर है, जो कि पेंट रूफ स्टाइल आर्किटेक्चर में बना है। इसके अलावा शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी चंबा, जो 680 ईस्वी में मेरु वर्मन द्वारा बनवाया गया था और गुग्गा शिल्पी थे इसके शिल्पकार थे। इसके अलावा लक्षणा देवी मंदिर जो है भरमौर में, वो भी मेरु वर्मन द्वारा ही 650 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था और इसके शिल्पकार भी गुग्गा शिल्पी ही थे। इसके अलावा आप नेक्स्ट देख सकते हैं काली देवी मंदिर या मृकुला देवी मंदिर भी बोलते हैं, जो कि लाहौल उदयपुर में स्थित है। ये मंदिर जो है ये 11वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और ये बनवाया था चंबा के राजा अजय वर्मन ने। कहा जाता है कि उदयपुर का पूरा नाम जो था मरगुल था, और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, उदय वर्मन ने यहाँ पर अष्ट धातु की एक मूर्ति की स्थापना की थी चंबा के राजा उदय वर्मन ने, जिसके बाद जो था मरगुल गांव का नाम यहाँ पर उदयपुर पड़ा। यहाँ पर इसको काली माता का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी या मृकुला देवी के अवतार को हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है, और इस मंदिर को जो है बौद्ध अनुयायी भी पूजते हैं। वो यहाँ पर इन्हें व्रिकुला के नाम से या फिर वज्रराही देवी के नाम से, जिसे बुद्ध धर्म में क्रोध की देवी कहा जाता है, के नाम से इसको पूजा जाता है। तो मतलब व्रिकुला देवी मंदिर को बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों धर्म के लोग पूजते हैं। नेक्स्ट है बिजली महादेव मंदिर, जो कि कुल्लू में स्थित है। ये मंदिर भी पेंट रूफ आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे इस तरह के मंदिर को, मतलब ये जो शैली है ये पेंट रूफ शैली है। आप इसका छत देख सकते हैं, इसका आकार देख सकते हैं मंदिर का। इसके बाद श्रीगुल देवता मंदिर जो सिरमौर में स्थित है वो भी पेंट रूफ स्टाइल में बना है। और इसके अलावा चंद्र शेखर मंदिर जो है साहू चंबा में, जो कि लगभग 1100 वर्ष पुराना है, वो भी पेंट रूफ आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी वास्तुकला शैली का जो मंदिर है वो आता है हमारे पास गुंबदाकार, मतलब जिसके ऊपर गुंबद बना होता है, और इंग्लिश में इसे डोम आर्किटेक्चर स्टाइल भी बोलते हैं। तो गुंबदाकार ये जो शैली थी ये मुगल काल या सिख काल के लगभग ही आरंभ हुई थी। तो आपको पता होगा कि सिखों के जो गुरुद्वारे होते हैं वो भी गुंबदाकार होते हैं, और मुगल शैली में जो भवन का निर्माण किया जाता था वो भी गुंबद के आकार का होता था। तो ये शैली मुगलों के काल से या सिखों के काल से बोल सकते हैं हिमाचल में इसका आरंभ हुआ था। तो इस शैली में कौन कौन से मंदिर बने हैं आइए देख लेते हैं। पहले आता है इसमें ज्वालामुखी मंदिर, जो कि कांगड़ा में स्थित है। तो कहते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर का निर्माण जो था राजा भूमिचंद द्वारा करवाया गया था, और सन 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुंबद पर जो था सोने का पानी चढ़वाया था। आपको पता है कि ज्वालामुखी मंदिर में हमेशा एक ज्वाला जलती रहती है, जो कि प्रतीक है यहाँ पर सती माता की जीव का। हिंदू और सिख धर्म के लोग इस मंदिर को काफ़ी मान्यता है दोनों धर्मों में इसकी, और दोनों धर्मों द्वारा इसे पूजा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम वृजेश्वरी देवी मंदिर जो कांगड़ा है, वो भी आपका डोम आर्किटेक्चर में स्टाइल में बना है। चिंतपूर्णी मंदिर उन्ना
ये भी डोम आर्किटेक्चर में है, नीचे तक देख सकते हैं आप। नैना देवी मंदिर बिलासपुर, आपको बताया नैना देवी मंदिर बिलासपुर बीरचंद द्वारा बनाया गया था। बीरचंद जो थे उन्होंने कहलूर की यानी बिलासपुर की स्थापना की थी 697 ईस्वी के आसपास, और इन्होंने नैना देवी धार पर ही जो था अपनी राजधानी बनवाई थी। बीरचंद के बाद जो थे राजा बीकचंद हुए थे 1600 ईस्वी में, तो उन्होंने पहली बार जो थी बीरचंद द्वारा बनाई गई राजधानी जो कि नैना देवी में थी उसको बदलकर सुनहानी लाया था। और इसके बाद जो दीपचंद हुए थे राजा 1650 ईस्वी में, उन्होंने 1654 ईस्वी में बिलासपुर राजधानी को बदला था सुनहानी से, और बिलासपुर शहर की स्थापना भी दीपचंद ने ही की थी। तो ये राजधानी जो थी 1654 में आई थी बिलासपुर सुनहानी से। नेक्स्ट देखते हैं टारना देवी श्यामा देवी मंदिर मंडी जो है 17वीं शताब्दी में बना था। ये जो श्यामा देवी मंदिर है ये राजा श्याम सेन ने बनवाया था जो कि सूरज सेन के भाई थे। 1658 में जो थे श्याम सेन जो थे मंडी के राजा बने थे। तो मतलब ये मंदिर जो है 17वीं शताब्दी में बना है। कामेश्वर मंदिर मंडी ये भी डोम आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। इसके अलावा बाला सुंदरी मंदिर सिरमौर जो है ये भी डोम आर्किटेक्चर स्टाइल में है। तो आप देख सकते हैं ये सारे मंदिर जो हैं डोम आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट वास्तुकला शैली जो हमारे पास वो है शिखर शैली, जिसे हम शिखर आर्किटेक्चर स्टाइल भी बोलते हैं। तो इसमें जो मंदिर हैं हिमाचल में उसमें आप देख सकते हैं बैजनाथ मंदिर या वैद्यनाथ मंदिर भी बोलते हैं जो कि कांगड़ा में है स्थित है। ये मयूख व आहूक दो भाइयों द्वारा 1204 ईस्वी में बनवाया गया था, और 19वीं शताब्दी में महाराजा संसार चंद ने जो था इसका जीर्णोद्धार किया था जो कि कांगड़ा के राजा थे। इसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा जो है जो कि 6 मंदिरों का समूह है, ये साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर भी शिखर शैली आर्किटेक्चर में ही बना है। यह पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बैजनाथ मंदिर है, तो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल भी देख सकते हैं आप। बजौरा मंदिर जिसको हम विश्वेश्वर मंदिर या वशेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं जो कि कुल्लू में स्थित है, ये मंदिर भी शिखर आर्किटेक्चर स्टाइल में है। और ये पांडवों द्वारा, इसमें मान्यता है कि ये पांडवों द्वारा बनाया गया था। पंचवक्त्रा मंदिर मंडी जो कि सुकेती व्यास संगम पर है, इसमें 5 मुख वाली शिव प्रतिमा स्थापित है। मसरूर रॉक कट मंदिर जो कि कांगड़ा में है, जिसे हम एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहते हैं। इसके अलावा 84 मंदिर जो भरमौर में है, 84 मंदिरों का समूह, वो भी शिखर आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर स्टाइल है हमारे पास वो आता है समतल छत शैली, जिसको हम फ्लैट रूफ आर्किटेक्चर स्टाइल भी बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पहली पिक्चर है ये सुजानपुर टीहरा का जो नर्वदेश्वर मंदिर है, तो आप देख सकते हैं इसका छत जो है फ्लैट है बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे आप जो पिक्चर है ये है ताबो मोनेस्ट्री की जो कि स्पीति में स्थित है, तो इसका भी देख सकते हैं आप कि इसका छत भी फ्लैट है, मतलब फ्लैट रूफ है दोनों का। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से और मंदिर हैं। तो सबसे पहले है नर्वदेश्वर मंदिर सुजानपुर हमीरपुर, जो कि महाराजा पराशनी देवी जो कि संसार चंद की पत्नी थी उन्होंने बनवाया था। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नर्वदेश्वर मंदिर संसार चंद ने ही बनवाया था। इसके अलावा राम गोपाल मंदिर जो कि डमताल कांगड़ा में है, ये 1550 ईस्वी के आसपास बना है। ब्रजराज या ब्रज स्वामी मंदिर, या इसको श्री कृष्ण मीरा मंदिर भी कहा जाता है, जो कांगड़ा किले में स्थित है। और ये जो राधा कृष्ण यहाँ पे मूर्ति है, श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, ये मूर्ति चित्तौड़गढ़ के राजा ने नूरपुर के राजा को भेंट की थी जो कि ब्रजराज मंदिर में स्थापित है। इसके अलावा ताबो मठ जो है स्पीति का, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी फ्लैट रूफ आर्किटेक्चर स्टाइल में ही बना है। तो आप जानते होंगे कि ताबो मठ को जो है अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है, और इसकी स्थापना जो थी 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका निर्माण कहा जाता है कि एक राजा थे तिब्बत के, शओआद तिब्बती राजा थे ये एक,
इनके द्वारा करवाया गया है। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक महान विद्वान थे रिचेन जंगपो, इनके द्वारा जो था ताब्बो मठ को स्थापित किया गया था। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, रिचेन जंगपो और शोआद तिब्बती एक राजा हुआ करते थे ये। इसके अलावा जो अन्य ज़्यादातर बौद्ध मिनिस्ट्री हैं या मठ जिन्हें हम कहते हैं, गोम्पा भी कहते हैं, वो सभी जो हैं फ्लैट रूफ आर्किटेक्चर स्टाइल में ही बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर स्टाइल है हमारे पास वो है पिरामिड शैली। तो पिरामिड आर्किटेक्चर स्टाइल है वो मुख्यतः जो है जुब्बल घाटी में जो भी कंस्ट्रक्शन है मंदिरों की वो इसी स्टाइल में है। आइए नीचे देखते हैं, यहाँ हाटेश्वरी मंदिर हाटकोटी में जो स्थित है महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है ये मंदिर। तो ये और ये मंदिर गुप्त काल से संबंधित है, मतलब इसका पता नहीं है कब बना था, गुप्त काल में बना था। ये जो पहली पिक्चर है ये है हाटेश्वरी मंदिर हाटकोटी की, तो आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर स्टाइल। इसके बाद शिव मंदिर हाटकोटी में स्थित है, वो भी इसी शैली में बना हुआ है। इसके अलावा महासू मंदिर जो है देवरा जुब्बल में, ये जो दूसरी पिक है ये महासू मंदिर की है, तो आप देख सकते हैं ये मंदिर भी जो है पिरामिड आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास पैगोडा शैली में बने हुए मंदिर। तो पैगोडा आर्किटेक्चर स्टाइल में जो मंदिर हैं, कहा जाता है कि ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये नेपाल में विकसित हुआ था। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि इंडोनेशिया और जो चाइना में है वहाँ पे भी यही इसी शैली से जो था पुराने भवन या मंदिर बना करते थे। तो कहते हैं कि पैगोडा शैली में जो है इस मंदिर में एक अंदर गर्भगृह होता है जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है और गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा रचना होती है। तो आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा इसी प्रकार से। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर जो है इस आर्किटेक्चर में है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला, कुल्लू और कुछ एक एक आध मंदिर जो आपको किन्नौर में भी दिख जाएंगे इस शैली में बने हुए। तो सबसे ज़्यादा मंदिर इसी शैली में है, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, पराशर ऋषि जो कि मंडी में है 1346 ईस्वी में बाणसेन द्वारा ये बनवाया गया था। इसके अलावा सुखदेव ऋषि मंदिर जो कि सुंदरनगर में मंडी में स्थित है। हडिम्बा देवी मंदिर मनाली में, इसका निर्माण जो था 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है नग्गर, ये भी जिला कुल्लू में स्थित है। मनु मंदिर मनाली, ये भी पैगोडा शैली में बना है। आदि ब्रह्मा मंदिर खोंखण, ये भी कुल्लू में है पैगोडा शैली में। महेश्वरा मंदिर ये किन्नौर में है, ये भी इसी शैली में पैगोडा शैली में ही निर्मित है। इसके अलावा त्रिवी नारायण मंदिर दियार कुल्लू, ये भी पैगोडा शैली में। मनु मंदिर जो सैंज में है, एक मनाली में आपको बताया मैंने, ये जो सैंज में है ये भी पैगोडा शैली में बना है। और इसके अलावा सुंगरा महेश्वर जो मंदिर जो है किन्नौर में स्थित है, ये भी आपका पैगोडा शैली में बना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास मगरू महादेव मंदिर जो है, ये गांव छतरी या छतरू भी लिखा होता है, जो कि करसोग मंडी में स्थित है, ये पैगोडा और मंडप शैली में बना है। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो इसका सामने का आर्किटेक्चर सेम है लेकिन जो पीछे में बीच में वो बनाया गया है तो इसकी वजह से मंडप की तरह है ये जो बीच में है। तो इस प्रकार का जहाँ तक मेरे को मिला, मैंने ढूंढा तो एक ही मंदिर मिला, ये मगरू महादेव मंदिर जो कि पैगोडा प्लस मंडप शैली में जो है बना है। तो लास्ट देख लेते हैं हम, एक और शैली है इसमें है पैगोडा शैली और पेंट रूफ स्टाइल आर्किटेक्चर जो है मिक्स किया हुआ है। तो इस शैली में जो मंदिर हैं देख लेते हैं, इसमें है धनेश्वरी मंदिर और बहना महादेव मंदिर। ये धनेश्वरी और बहना महादेव मंदिर जो हैं ये दोनों मंदिर आउटर सिराज जिसको हम बोलते हैं बाह्य सिराज में स्थित हैं।
इनकी मुझे पिक नहीं मिली, ये कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर नहीं होंगे इसलिए इनकी पिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे अगर एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा फेमस जो भीमा काली मंदिर है सराहन का, वो भी पैगोडा आर्किटेक्चर प्लस पेंट रूफ स्टाइल में तैयार किया गया है, मतलब इसमें बना है। इसके अलावा कुछ और मंदिर अगर बचते हैं आपकी यहाँ नॉलेज में हैं जो कि इन आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हैं और इस लिस्ट में मैंने ऐड नहीं किए हैं या ऐड करने से रह गए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि जो आगे इस वीडियो को देखेगा वो इस लिस्ट के साथ आगे जो आपने ऐड किए हुए होगी लिस्ट उसको भी देख सकेंगे। पर ट्राई करेगा कि जो आप कमेंट में लिखेंगे किसी भी मंदिर या उसका आर्किटेक्चर का नाम, उसमें आप कंफर्म हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप डाउट में हों और वो वैसा कुछ नाम लिख दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करें या आपके लिए किस पर वीडियो लेके आएँ, तो साथ साथ वो भी कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब आप भी करिए, और अगर आपके आसपास है कोई जो ये वीडियो देखता है उनसे भी करवाइए। थैंक यू।